दोस्तों बरसों से अजवाइन को पाचन समस्याओं के लिए एक शक्तिशाली घरेलू उपचार के रूप में प्रयोग में लाया जाता रहा है। ये एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी भलीभांति वाकिफ हैं। लेकिन क्या आपने अब तक कभी भी या फिर कितनी बार अजवाइन की पत्तियों का इस्तेमाल किया है? पता लगेगा बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अजवाइन की पत्तियों का इस्तेमाल किया है। दोस्तों अजवाइन की पत्तियां पाचन के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी मदद करती हैं। आयुर्वेद के जानकार बताते हैं कि अजवाइन की पत्तियों को अपनी डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए। अगर आपको पेट फूलने या गैस जैसी पाचन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो अजवाइन के पत्ते उस प्रॉब्लम का 100% निस्तारण कर देते हैं, यानी आपके उस प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं। आइए जानते हैं अजवाइन के पत्तों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में और जानते हैं कि कैसे उन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आयुर्वेद के आचार्य बताते हैं कि अजवाइन की पत्तियों को पीसकर उनकी चटनी बनाई जा सकती है। इस चटनी का सुबह नाश्ते या दोपहर के भोजन के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, साथ ही आपकी बेहतर पाचन में भी मदद करेंगे। आयुर्वेद आचार्य आगे बताते हैं कि भोजन के बाद अगर लगातार आपको पेट फूलने या भारीपन आपके पेट में अनुभव होता है तो कुछ अजवाइन के पत्तों को तोड़कर अपने नहाने के पानी में भी मिलाना चाहिए। ये भी आपको बहुत फायदा करेंगे। इसके साथ साथ अजवाइन के पत्तों को डीप फ्राई कर शाम के वक्त एक कप गर्म मसाला चाय के साथ नाश्ते के रूप में भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा अजवाइन की पत्तियों को शहद, काली मिर्च और हल्दी के साथ पानी में उबाल कर भी खा सकते हैं। इस मिश्रण को पीने से खांसी और सर्दी के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। अजवाइन की पत्तियों को अतिरिक्त स्वाद के लिए सब्जियों के रस में भी मिलाया जा सकता है। वे व्यक्ति जो नियमित रूप से पाचन की परेशानियों का अनुभव करते हैं उन्हें अपनी डाइट में अजवाइन के पत्तों को शामिल करना कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अजवाइन के बीज में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। उन्हें दाल और सब्जियों में तड़का लगाते वक्त प्रयोग किया जा सकता है या फिर इसके अलावा आप उन्हें कच्चा भी चबा सकते हैं। ये छोटे छोटे बीज गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्या के उपचार में प्रभावी भूमिका अदा करते हैं। चुटकी भर नमक और थोड़े से पानी के साथ 1/4 टीस्पून यानी चौथाई टीस्पून अजवाइन के बीज को चबाएं। इसके परिणाम आपको जादुई लगेंगे अगर ये बीज आपको सूट करते हैं तो। कई बार ये होता है कि बहुत सारे लोगों को अजवाइन के जो बीज होते हैं उनसे खुशबू आती है और वो उन्हें पसंद नहीं होती, तो उन्हें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अजवाइन अपच और पेट में बन रही गैस को ठीक करने के लिए अच्छे माने जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अजवाइन के बीज अपच से राहत देने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने तक अजवाइन के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। अजवाइन में एक तीखा स्वाद होता है। गैस और अपच के लिए तो ये रामबाण माना जाता है। इसके लिए आपको एक चुटकी नमक के साथ आधा चम्मच अजवाइन के बीज चबाने की जरूरत है। साथ में गर्म पानी पिएं और इससे मिनटों में ही गैस कम हो जाएगी और आपके पूरे शरीर में एक आराम मिलेगा। अजवाइन के बीज सिर्फ एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग की नहीं बल्कि पेट दर्द से भी आपको निजात दिलाते हैं। अजवाइन के बीज चबाने से एसिडिटी को कम करने में मदद मिलती है। आज दोस्तों आज चलते चलते हम आपको बताते हैं कि पाचन में कैसे आपको अजवाइन मदद करेगा। इसके लिए हम आपको तरीका बताते हैं। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे देख कर भी बना सकते हैं। पानी में अजवाइन के बीज उबालने से हमारे भोजन को तोड़ने के लिए अधिक पाचन एंजाइमों और पेट के एसिड को स्रावित करने में मदद मिलती है। इसके लिए पानी में एक चम्मच अजवाइन के बीज डालें। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकते हैं जो तीखे और थोड़े मसालेदार स्वाद के कारण अजवाइन के बीज को चबाना मुश्किल समझते हैं। अजवाइन ले लीजिए 1/2 टीस्पून, जीरा ले लीजिए 1 टीस्पून और सौंफ ले लीजिए 1 टीस्पून। इनको मिलाकर पानी में रख दें। इस मिश्रण का सेवन आपके पाचन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ये आपके पेट के एसिड और पाचन तंत्र को शांत करता है और आपको गैस से राहत देने और पेट फूलने को कम करने में मदद करता है। ये आपकी आंतों की दीवार के लिए भी आरामदायक होता है। अगर आप पेट से जुड़ी किसी भी समस्या के शिकार हैं तो इस मिश्रण का सेवन जल्द से जल्द करके जल्द से जल्द राहत पाइए।